आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान यस विक्रम सिंह जी के इस कमेंट को। श्रीमान सिंह जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यू इंडिया अश्योरेंस के आशा किरण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी आशा किरण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि चैनल पे हम लगातार आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार वीडियो लेकर के आते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आइए अब हम जानते हैं श्रीमान सिंह जी के अनुसार कि मॉरेटोरियम क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। साधारण शब्दों में समझाने के लिए मान लीजिए आप श्रीमान ए हैं, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली एक इंश्योरेंस कंपनी से, जिस इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी ए ही हमने यहाँ पे मान लिया। आपने पॉलिसी समझी अच्छी तरीके से और आप कंपनी ए को लगातार 8 साल तक प्रीमियम पे करते रहे विदाउट एनी गैप, राइट? यानी कि हर साल आपने टाइम पे रिन्यूअल कराया लगातार 8 साल तक। अब ये जो 8 साल का पीरियड जब कंप्लीट हो गया, इसी को ही मोरेटोरियम कहा जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में, यानी कि इसको मोरेटोरियम पीरियड भी कह रहे हैं। जब आपको 8 साल हो जाते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कवर में बने रहे, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम फिर रिजेक्ट नहीं करती है, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कि किसी भी चीज का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। उससे संबंधित थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप जान लीजिए। पॉलिसी लेते वक्त अगर आपके प्लान में कैपिंग इन्वॉल्व है तो वो कैपिंग लागू रहेगी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार। अगर को पेमेंट उसमें इन्वॉल्व था, आपके पॉलिसी में को पे है एक निश्चित एज पे जाकर के या वैसे, तो वो भी अप्लाई रहेगा। अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है जिसमें डिडक्टेबल लागू होता है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। और को पे और डिडक्टेबल क्या होता है, कैपिंग क्या होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में। बाकी अगर बीमा कंपनी ने ये पाया कि आपने पॉलिसी फॉर्म में मिसलीडिंग फैक्ट लिखे हैं जो कि फ्रॉड के अंदर आते हैं, तो भी इंश्योरेंस कंपनी फिर क्लेम को रोक सकती है। बाकी जो क्लेम होगा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉपर लिस्ट वहां पे दे रखी है डिजीज का, तो जिस डिजीज का जितना कवर है उतना ही देगी। और किसी भी कंडीशन में जो आपका कवर है वो टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि क्लेम तो अप्रूव्ड होगा लेकिन पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ही अप्रूव्ड होगा, ठीक है? हाँ, ये हो जाता है कि कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम भाई इस डिजीज का क्लेम नहीं दे रहे, उस डिजीज का क्लेम नहीं दे रहे, वो सारी कंडीशंस रिमूव हो जाएंगी, लेकिन पॉलिसी के अंदर जो चीजें मेंशन हैं उन पे ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि परमानेंट एक्सक्लूजन जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में वो लागू रहेंगे, उनका क्लेम नहीं मिलता है, राइट? तो इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जहाँ से लिया उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।